नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। श्रावस्ती में नलकूप खंड विभाग में तैनात जेई की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नेशनल हाईवे 730 पर खाई में जा पलटी, जिससे जेई की मौत हो गई। निर्माण नलकूप खंड विभाग अयोध्या में तैनात है। मृतक के धर्मेंद्र कुमार यादव बहराइच के नानपारा में चल रहे काम का जायजा लेकर वापस अयोध्या जा रहे थे। मृतक जेई धर्मेंद्र कुमार यादव गोरखपुर के बताए जा रहे निवासी। डायरेक्ट से 12 पुलिस मौके पर पहुंचे, मृतक को कार से निकाला, आनंद फानंद में अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। स्थानीय थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र के श्रावस्ती कटरा में स्थित शनि मंदिर के पास की घटना। रायबरेली में ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा सड़क हादसा टल गया। सवारियों से भरी रोडवेज बस का ब्रेक फेल हुआ था। बस के ड्राइवर ने रेलिंग से टकराकर बस रोक दी। सवारियों में हड़कंप मच गया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन चौराहे पर से तो ओवरब्रिज का है, जहां सवारियों से भरी रोडवेज बस का अचानक ब्रेक फेल हो गया। ब्रेक फेल होता देख बस में बैठी सवारियों में चीख-पुकार मच गई, लेकिन समय रहते चालक सूझबूझ दिखाते हुए बस को पुल पर बनी रेलिंग में टक्कर मार दी, जिसके बाद बस बंद हो गई। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली और एक बड़ा हादसा टल गया। नवागत पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने चार्ज संभाल लिया। 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़। मीडिया के सामने नवागत पुलिस कमिश्नर ने अपनी प्राथमिकताएं गिनवाई हैं। महिला संबंधी अपराध और ट्रैफिक पर विशेष कार्य करेंगे। विभाग में अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। हादसे में मौत होने के बाद व्यापारी के 1,00,000 रुपए खो गए और हिसाब की डायरी और कागजात भी गायब रहे। बीते 2 दिन पहले सिकंदरा क्षेत्र में बेकाबू कैंटर ने कई वाहनों में टक्कर मार दी थी। हादसे में हुई 3 लोगों की मौत। मृतक धर्मेंद्र थे खोया व्यापारी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पैसे ले जाने वाले को जल्द पकड़ेगी। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो में मौके पर इकट्ठा भीड़ पैसे की चर्चा कर रही है। आगरा सिकंदरा क्षेत्र का ही पूरा मामला। झांसी में जीआरपी द्वारा विशेष अभियान चलाकर गठित टीमों द्वारा सर्विलांस की मदद से गुम हुए 345 मोबाइल फोन बरामद हुए, जिनकी कीमत 34,50,000 रुपए है। अपर पुलिस अधीक्षक रेलवे लखनऊ जय नारायण सिंह के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक रेलवे विपुल कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस उपाधीक्षक रेलवे नईम खान मंसूरी के पर्यवेक्षण में क्राइम ब्रांच सर्विलांस थानों से संयुक्त टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा बहुत ज्यादा कोशिश की गई और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों और अन्य राज्यों से गुम हुए मोबाइल फोन्स को बरामद किया गया। बरामद किए गए मोबाइल फोन्स में अधिकांश अच्छे ब्रांड जैसे आईफोन, वन प्लस, सैमसंग के हैं। बरामद मोबाइल की कीमत लगभग 34,00,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल उन्हें उनके मालिकों को सुपुर्द कर दिया गया है। श्रावस्ती के कोतवाली भीनगा पुलिस का सराहनीय कार्य देखने को मिला। कोतवाल भीनगा महिमानाथ उपाध्याय मेमराही पुलिस टीम द्वारा रात गश्त पर थे, तभी भीनगा लक्ष्मणपुर बाजार रोड पर भयापुरवा के पास सुबह करीब 4 बजे 3 बच्चे, जिसमें एक बच्चा 2 बच्ची थी, सड़क के किनारे लावारिस हालत में खड़े दिखाई दिए, जो ठंड से कांप रहे थे। जिनके पास पहुंचकर नाम पता पूछने का प्रयास किया गया तो वो रोने लगे, जिन्हें लाड़ प्यार करके चुप कराया गया और खाने के लिए चॉकलेट टॉफी दी गई। इसके बाद तीनों बच्चों से नाम पता पूछा गया तो बच्चों द्वारा बताया गया कि हम तीनों भाई बहन हैं और उनके पिता का नाम घीसू और हमारा घर भयापुरवा है। पुलिस द्वारा तीनों बच्चों को संरक्षण में लेकर थाना भीनगा लाया गया। बच्चों के द्वारा बताए गए पते पर कोतवाली भीनगा पुलिस तत्काल पहुंचकर उनके दादा दादी से बच्चों का फोटो दिखाते हुए पहचान कराई और बच्चों से मिलाने के लिए लगभग 4:30 बजे पहुंच गए, जहां पर परिजनों को बुलाकर बच्चों से सटीक पूछताछ कराकर परिजनों को सुपुर्द किया गया। परिजन में बच्चों को पाकर गदगद हुए। श्रावस्ती पुलिस का धन्यवाद भी दे रहे हैं। श्रावस्ती में शराब बिक्री में यूपी का जनपद श्रावस्ती सीएम डैशबोर्ड सूची में प्रथम रैंक पर है। आकांक्षी छोटा और पिछड़े जनपद श्रावस्ती के आबकारी विभाग ने शराब बिक्री से प्राप्त राजस्व में हासिल किया प्रथम स्थान। सीएम डैशबोर्ड रैंक में शराब बिक्री से राजस्व मुनाफे देने में श्रावस्ती प्रदेश में नंबर 1 बना। सरकार को शराब बिक्री से मिले राजस्व से प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहने वाला जनपद बना श्रावस्ती। डीएम कृतिका शर्मा के निर्देश में आबकारी विभाग के संयुक्त टीम द्वारा शराब बिक्री पर लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। आबकारी प्रवर्तन अभियान से अनुज्ञापित सरकारी दुकानों की शराब बिक्री में भी वृद्धि हुई है।
अवैध शराब बिक्री पर लगातार छापेमारी कार्रवाई से अवैध शराब के निर्माण में भी कमी आई है, इससे फायदा हुआ है। भारत नेपाल बॉर्डर के इलाके और जंगल एरिया में लगातार आबकारी टीम के संयुक्त प्रवर्तन अभियान छापेमारी जारी है। कानपुर में बीते कुछ दिन पहले भाजपा पार्षद और उसके भाई पंकज गुप्ता पर मारपीट और जबरदस्ती प्लॉट पर कब्जा करने का आरोप लगा था। वहीं कानपुर कमिश्नर से न्याय मांगने पहुंची 85 वर्षीय बुजुर्ग मां ने हथियारों के जरिए बेटे संदीप की हत्या करने में भाजपा पार्षद समेत उनके भाई पंकज गुप्ता और अन्य साथियों पर हत्या करने का आरोप लगाया। वहीं क्षेत्रीय पुलिस पर हिला हवाली करने का भी आरोप लगाया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मारपीट की जांच करवाने की गुहार लगाई है। बुजुर्ग महिला के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि पवन गुप्ता उसका भाई दोनों अवैध असले से लैस होकर बेटे संदीप के साथ मारपीट कर रहे हैं। बता दें कि पवन गुप्ता नजीराबाद थाना क्षेत्र के नेहरू नगर से भाजपा पार्षद है। बुजुर्ग महिला के मुताबिक पुलिस अगर सही से जांच करेगी तो सच सामने आ जाएगा। वहीं बुजुर्ग महिला की माने तो परिवार का एकमात्र सहारा उनका बेटा संदीप ही था जिसकी हत्या हो चुकी है। उनका कहना है कि परिवार के बाकी सदस्यों की भी जान को खतरा है। बुजुर्ग महिला ने यह भी कहा कि अगर पुलिस उनकी सुनवाई नहीं करेगी तो वो न्याय पाने के लिए मुख्यमंत्री या गृहमंत्री तक भी जाएंगी। मऊ जनपद के पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे के नेतृत्व में पुलिस ने चोरी हुए कुल 101 मोबाइलों को कई जनपदों से बरामद किया। बरामद हुए 101 मोबाइल की कुल कीमत 21 लाख रुपए बताई जा रही है। शहर कोतवाली में बरामद हुए 101 मोबाइल को पुलिस ने उन सभी मोबाइल धारकों के सुपुर्द किया जिनका मोबाइल कुछ महीने पहले चोरी हो गया था या गुम हो गया था। अपने गुम हुए मोबाइलों को पाकर पीड़ितों के चेहरे खिल उठे। सीओ सिटी अंजनी कुमार पांडे ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे के नेतृत्व में पिछले दिनों गायब हो चुके 101 मोबाइलों को पुलिस के कई जिलों से बरामद किया। इन मोबाइल स्वामी को उनके चोरी हुए मोबाइलों को उनके सुपुर्द किया गया है। जिन लोगों के मोबाइल चोरी हो गए थे वो अत्यंत गरीब है जो किसी तरह से एंड्रॉइड मोबाइल को खरीद कर उपयोग कर रहे थे जो बाद में चोरी हो गए। इनके कुल कीमत 21 लाख रुपए बताई जा रही है। जिले के स्वास्थ्य विभाग की मेहरबानी से एम्बुलेंस चालक भी डॉक्टर बन बैठा। जिले भर में घूम घूम कर ऑपरेशन कर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर ने जिले के स्वास्थ्य विभाग के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। वायरल तस्वीर में एक अनट्रेन महिला के साथ एक झोला छाप डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में बकायदा ऑपरेशन करता नजर आ रहा है। ऑपरेशन के दौरान कथित डॉक्टर ने अपना सर ढकना तो दूर मुंह पर मास्क तक नहीं लगाया और तो ऑपरेशन करते हुए तस्वीर लेकर झोला छाप डॉक्टर द्वारा व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाया गया। बता दें कि पिछले हफ्ते चंदौली के एक शख्स को नकली खिलौने वाली पिस्तौल के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने को लेकर गिरफ्तार किया गया था। लेकिन सवाल उठता है कि ऑपरेशन थिएटर में बिना मास्क और सर ढके झोला छाप डॉक्टर अनट्रेंड महिला कर्मचारी के साथ किसी व्यक्ति को ऑपरेशन करते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऑपरेशन थिएटर में झोला छाप डॉक्टर द्वारा मरीज का ऑपरेशन करते हुए पिक्चर क्लिक करके सोशल मीडिया पर अपलोड की जा रही है और कहीं ना कहीं जिले के स्वास्थ्य महकमे को आईना भी दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को स्वावलंबन का उपहार दिया है। गोरखपुर महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज सिविल लाइन के परिसर में सुबह आयोजित समारोह में 1150 महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन का वितरण किया गया। बता दें कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद मूल्य परक शिक्षा के साथ ही समाज सेवा और स्वावलंबन के विभिन्न प्रकल्पों का भी सशक्त माध्यम है। परिषद की तरफ से महिलाओं के लिए 3 जनवरी से 7 दिवसीय सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला का औपचारिक समापन 9 जनवरी को महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय जंगल धुमड़ में हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 1150 महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी जानते हैं कि देश की आधी आबादी को सशक्त किए बिना हम भारत को सशक्त और समर्थ नहीं बना सकते। इसके लिए हमें उन्हें एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना होगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना होगा। सोनभद्र की पीपरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। शराब भरी ट्रक वनदेवी मंदिर के समीप पकड़ी गई। चेकिंग के दौरान ही ड्राइवर उतरकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर फरार होने से पूर्व शराब भरी ट्रक में आग लगा दी। मौके पर दमकल ने पहुंचकर आग को काबू में किया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों द्वारा शराब की खुली लूट देखी गई। जानकारी के मुताबिक शराब भरी ट्रक लुधियाना से आ रही थी और उसे बिहार ले जाए जाने की कोशिश हो रही थी। फिलहाल प्रशासन जांच पड़ताल में जुटा हुआ है और जांच से पहले कुछ बताने से परहेज पुलिस कर रही है। वहीं झांसी की हम बात करें तो झांसी कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार में दिन दहाड़े बाइक सवार को दबंग ने तवंचे से गोली मार दी। गोली चलते ही बाजार में भगदड़ मच गई। आनंद फानंद में सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक कोतवाली थाना क्षेत्र के उन्नाव के बाहर
नगरिया कुआ निवासी नरेंद्र यादव और पप्पू बाइक से शनिवार को दोपहर बड़ा बाजार फल खरीदने जा रहा था। जैसे ही वो मजदूरों वाली गली के पास पहुंचा तभी वहां खड़े दबंग ने तमंचे से उस पर गोली चला दी। बिजनौर के थाना नूरपुर के ढोलागढ़ के पास का पूरा मामला, जहां पर पुरैना निवासी बबीता पत्नी अर्जुन सिंह अपने बेटे वंश के साथ बाइक पर सवार होकर धामपुर जा रही थी। जैसे उनकी बाइक ढोलागढ़ के पास पहुंची तो दो बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई। बाइक पर पीछे बैठी महिला बबीता बाइक से चलकर ट्रक के नीचे आ गई। ट्रक के नीचे आने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से अफरा तफरी मच गई। मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से मृतक के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। अपने 3 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित और विकासशील देश को प्रगति की ओर बढ़ता देखा जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, जो कि हमारे देश के लिए गर्व की बात है। इसी तरह से आज जन संवाद यात्रा के दौरान ये बात बताई गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम भारत के नागरिकों में इस बात को लेकर काफी उत्साह है कि आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है, जिसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम अमेठी वासियों को बहुत ही जल्द अयोध्या वासियों को दर्शन कराएंगे भगवान श्री राम के। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने बताया कि विकासशील संवाद यात्रा के दौरान अमेठी की जनता आशा भरी निगाहों से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी उत्साहित हो रही है, जो कि पिछले कई सौ सालों से नहीं हो पाया था। वहीं आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हो पाया, जिसको लेकर अमेठी की जनता ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष इसको लेकर काफी ज्यादा खुश है। दबंगों ने खुलेआम दबंगई दिखाई है। सब्जी आढ़तियों को बीच बाजार बेरहमी से लाठी डंडों से पीटा वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में गाली गलौज कर लाठियों से आढ़तियों पर कहर बरपाते बेखौफ दबंग नजर आ रहे हैं। सब्जी मंडी में दबंगों की खुलेआम दबंगई देख व्यापारियों और किसानों में हड़कंप मच गया। दबंगों ने मारपीट कर 3 आढ़तियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मारपीट करने वाले दबंगों की खोजबीन में पुलिस जुटी हुई है। खागा कोतवाली के नवीन मंडी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। कस्बा खागा अंतर्गत नवीन सब्जी मंडी खागा में यूसुफ तबरेज व गोरेलाल मरिया दोनों आड़ती हैं। कल दिनांक 12/1/2024 को शाम 7 बजे किसानों द्वारा लाई गई मटर खरीदने को लेकर के गोरेलाल मरिया एवं यूसुफ तबरेज के बीच मामूली कहासुनी विवाद हो गया था, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप आज यूसुफ तबरेज व उनके 5-6 अन्य साथियों द्वारा गोरेलाल मरिया व उनके यहाँ काम करने वाले लोगों के साथ मारपीट की गई, जिसमें गोरेलाल मरिया पक्ष के 3 लोगों को चोटें आई हुई हैं, जिनका इलाज सीएससी हरदो में कराया जा रहा है। सभी लोग खतरे से बाहर। फतेहपुर जिले में शनिवार को अपना दल एसके बीन के विधायक और पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह जैकी ने शहीद संजय पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। बीन की विधानसभा के टिकरी गांव निवासी संजय पटेल फौज में चालक के पद पर देश को सेवा कर रहे थे। जब वो अरुणाचल प्रदेश के टिंगा जनपद में ड्यूटी कर रहे थे, उसी दौरान 27 जुलाई 2009 के दिन आतंकवादियों द्वारा बिछाए गए माइंस के विस्फोट से चालक संजय पटेल अपने सहयोगियों के साथ शहीद हो गए थे। अयोध्या में भगवान श्री राम का ऐतिहासिक मंदिर बनकर तैयार है और 22 जनवरी को बड़ी धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है, जो कि पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से होना है। इस ऐतिहासिक क्षण को पूरा विश्व और भारत में अपने अपने स्तर से मनाएगा। ऐसा ही एक प्रभु भक्त जो कि अपनी जमा पूंजी से इस ऐतिहासिक क्षण को अभी से मना रहा है, कानपुर के बर्रा करही निवासी अनूप कुमार गुप्ता ने कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए शहर प्रदेश भारतवासी से अपील की है कि इस ऐतिहासिक पल को लोग दिवाली की तरह मनाएं। जो व्यक्ति सक्षम है वो झंडे बनवाकर उसका निःशुल्क वितरण करे, ताकि गरीबों और निराश्रित लोगों को इस ऐतिहासिक पल से जुड़ना संभव हो जाए। वहीं अरुण गुप्ता का कहना है कि वो राम भक्त हैं, जिन्होंने अपनी अभी तक की जमा पूंजी से प्रभु श्री राम का झंडा बैच पट्टी खरीद ली है। जिसको भी निःशुल्क चाहिए तो वो उन्हें संपर्क कर सकता है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ। जहां मिलती है